तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर प्रयागराज से, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या, यह खबर निकल करके आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं प्रयागराज से, इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो न्यूज इंडिया पर सबसे पहले यह जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाकर अशरफ और अतीक को मौत के घाट उतार दिया है। यह जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ, जो कि उसका भाई है, आपको बता दें कि उन दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। जो जानकारी अभी निकल करके सामने आ रही है कि गोली जो जिसने चलाई है वो अज्ञात हमलावर था, जिसने गोलियां चलाई और अतीक और अशरफ की मौत हो गई है, उसकी हत्या की गई है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास गोलियां चली, और उसमें जो जानकारी अभी निकल करके सामने आ रही है, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया पर, सबसे पहले यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से। तो देखिए, इसमें जैसे जैसे चीजें अपडेट आती रहेंगी वो हम लगातार आप तक बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास गोलियां चली हैं और उसमें अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं।